नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मजामा छो? कक्षा 10 विषय हिंदी, आज हम आठवां पाठ करेंगे सुधा मोदी, धोरण 10 पाठ 8। पाठ का नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपना योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए कि स्त्री छे ये सो नहीं करी सकती। अब आप पाठ समझो। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुड़मोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की ओर से नौकरी से इच्छुक के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। अब आज पाठ है सुधा मूर्ति, ये सत्य घटना है। आज सुधा मूर्ति है ये हजी पण जीवे छे। लगे छे कि आ 1974 नी बात छे। बेंगलुरु में गर्मी पड़ती थी, त्यां वातावरण बतावे छे के त्यां परिसर मैदान के आंगणा में गुड़मोहर नु झाड हतुं अने एक छात्रा छे होस्टेल में जई रही हती अने एनी नोटिस बोर्ड पर नजर पड़े छे तो जोयो तो ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को नी जाहेरात आवेली हती। एमां एक इंजीनियर नी आवश्यकता हती, जरूर हती, पण एमां एक आश्चर्य नी वात ए हती के एमां एम लखेलुं हतुं के जे महिला होय स्त्री होय ए आवेदन न मूके, એટલે કે એ અરજી કરે નહીં, ફક્ત ને ફક્ત પુરુષો માટે। यही तो लिखा था, उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश में स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद दीक्षा की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उस शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु वहाँ यह वह भेदभाव स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात उससे कुछ बची नहीं। हवे एक वक्त नहीं पर बे वार वाँच्यु के हाँ महिला उम्मीदवार पत्र भेजे नहीं, तो नौकरी ने कई जरूर नती, पर शू तो छात्रवृत्ति मिली गई थी, स्कॉलरशिप मिली थी, विदेश सरकार विदेश भूकवा तैयार थी एट जवा तो एने शू कहे पोता ने कई नौकरी जरूर नती, पोते भणवा जवाना, पर एने जोयु कि अपना देश अंदर अही स्त्री और पुरुष लिंग ना भेदभाव छे तो इन्हें आवाज गमी नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं, वह उसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। कैसे कि एक क्लास के अंदर हमेशा पहले नंबर आती, कंप्यूटर विज्ञान क्लास नी अंदर बधा छोकरा होता, खाली एक ये पोते छोकरी हता। ये परिश्रमी हती, होशियार हती, मेहनत होती, पर एने थयु ना आना माटे तो मारे कई करवुं ज पड़शे अने हुं एनो विरोध चोक्कस करीश, एमांथी हुं पीछे हटीश नहीं। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से होस्टेल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है।
उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख जे आर डी टाटा है। कैसे कह तो आवत से सूचना लखी लीधी अने सु के जल्दी जल्दी हॉस्टेल में चली गई। पछी ए नक्की कर्यु के पोते छे आ कंपनी ना मेन व्यक्ति ने मळशे, एनु नाम काम एनो काई जे होय सरनामा ने खबर न हती, पण नाम ने खबर हती के नाम शुं हतुं, एनो प्रमुख कोण हता, जे आर डी टाटा। एटले आगळ उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और जे आर डी टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा इस्पात रासायनिक पदार्थ कपड़ा मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। એટલે એક પોસ્ટ કાર્ડ લઈ અને એમાં જે આર ડી ટાટા ને સંબોધીને કાગળ લખે છે કે તમે ભારત દેશની અંદર સૌથી પહેલા ભારત દેશની અંદર લોખંડ બનાવવાનું કારખાનું કોણ નાખ્યું તમને ખબર છે ને, જમશેદજી ટાટા, એટલે જે આર ડી ટાટા કહેવામાં આવે છે, સૌથી પહેલા ભારત દેશમાં એને નાખ્યું છે। એટલે કે છે કે તમે અહી ભારત દેશની અંદર લોહા બનાવવાનું, રાસાયણિક પદાર્થ, કપડા, મશીન એવા મોટા મોટા ઉદ્યોગો અહીં સ્થાપ્યા છે અને તમારી સંસ્થામાં ભણું છું, તો હું હેરાન છું કે તમારી કંપનીએ આવો સ્ત્રી અને પુરુષનો ભેદભાવ કેમ કર્યો છે। 10 દિન મેં કંપનીને ઉસે તાર ભેજા, કંપની કે ખર્ચે પર પુનઃ શહેર મેં સાક્ષાત્કાર કે લીએ ઉપસ્થિત હો, આવશ્યક તૈયારીઓ કે સાથ વહ લડકી પુનઃ પહોંચી, સાક્ષાત્કાર આરંભ હુઆ, કાફી તકનીકી પ્રશ્ન પૂછે ગયે જિનકે વહ સહી સહી ઉત્તર દેતી ગઈ। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेह भरी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिलाओं के द्वारा आवेदन न भेजे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती, तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। 10 दिवस पहले कंपनी ने तार मुक्यो अने पुना शहर में पोताना ज खर छोकरी ना खर्चे नहीं पर कंपनी ना खर्चे त्या पहुंचे छे अने व्यक्ति साथे एनो रूबरू मळे छे अने बधा प्रश्न पूछे छे जेपी टाटा, तो एने बधा जवाब बराबर आपे छे एटले कहे छे के अमे सेना माटे नथी कर्युं, खबर छे के अहींया आ जग्याए मोटे भागे कोई अहीं स्त्री छे ज नहीं, बधा अहीं पुरुषो छे एटले अहीं महिलाने अमे नियुक्ति करता नथी। बीजुं કે તમારી જેવી હોશિયાર છોકરી હોય એ નોકરી કરવા માટે નહીં પણ કઈ વસ્તુની શોધ કરે એ જરૂરી છે, તમે એમાં જાઓ, લેકિન હમે કહી છે તો શરૂઆત કરની હોગી, નહીં તો કભી ભી કોઈ મહિલા આપકી ફેક્ટરી મેં કાર્ય નહીં કર પાયેગી। ઉસને દ્રઢતા સે કહા કે ના ના, ક્યારે તો કોઈ કે તો શરૂઆત કરવી પડશે ને, નહીં તો કોઈ મહિલા સ્ત્રી કોઈ મહિલા હોય એ તમારી કંપનીમાં કામ કરી શકશે નહીં। એક લંબે સાક્ષાત્કાર કે બાદ अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है यह शुरुआत तुमसे की जाती है, बधाई। अरे भले, लंबी चर्चा पर ने कहा, भले तमे क्यों एम, तो हवे आ शुरुआत जो तुम्हारा थी करूं छु, तमने आ नौकरी हूं आपू छु, तमने अभिनंदन। टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी, नाम शू हतु, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेलको में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ, के सुधा कुलकर्णी का लग्न इन्हीं साथे जे नौकरी करता था नारायण मूर्ति इन्हीं साथे जिना लग्न थया एटले सुधा मूर्ति कहवाया। 8 वर्ष तक टेलको को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद के पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। कैसे का 8-1 वर्ष नौकरी करी पछी राजीनामा आपी दीधुं अने बेंगलुरु मां ए पोताना पति ने साथे इन्फोसिस कंपनी खोली। दोनों ही मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी राज चौकनी उन्नति की। कैसे बनने जरा खूब मेहनत करता है लेने कंपनी ने खूब प्रगति करी। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी, लेकिन मुख्य व्यक्ति बनी।
इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। समझो, उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। कैसे के समाज सेवा ना सारा काम करे छे, समाज में विकास सेवा काम करे छे, हाल में पड़े छे ने कर्नाटक में सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर ने लाइब्रेरी ने काम करे एवी योजना बनावी। सुधा मूर्ति ने स्वयं को पूर्ण रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपलब्ध करवाए। कहे छे कि बेल्लारी, बीजापुर, हुबली वगैरह शहरों के अंदर एने सारा एवं तकनीकी उपकरण हॉस्पिटल अंदर एवं उपकरण एने उपलब्ध कराया कि जे कोई रोग थयो होय एने चकासी सके। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सुखापुरी क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। के जब वरसाद न वरसे तो खेडूत तो शू थी जाए, बेहाल थी जाए, એટલે બેરોજગારી વધે, ખાવા પીવા ન મળે એવા જેવા સુખા પીડિત પ્રદેશ હોય ત્યાં પર તેને રાહત કામ ચાલુ કરાવ્યું। ઉનકે અથક પ્રયાસ સે કર્ણાટક કે 800 સે અધિક ગામો મે કમ્પ્યુટર શિક્ષા પર 1 કરોડ રૂપિયા લગવાયા ગયા ઓર 3000 સે અધિક પુસ્તકાલય ખોલે ગયે। ઉન્હોને ગરીબ બચ્ચો કો સહાયતા દી, સ્કૂલો કી ઇમારતો કા નિર્માણ કરવાયા, અધિકતર અંક લાને વાલે બચ્ચો કી છાત્રવૃત્તિ દી और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरण किए। आ बधुं पोते सेवा कार्य कर्युं अने ज्यां जेनी जरूरत हती ए वस्तु अहींया एने आपी। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। आ बधाय ने पुरस्कार मळ्या छे। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। सुधा मूर्ति पोतानी क्षमता थी महिलाओं नो मार्ग सरल कर्यो। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। इंजीनियरिंग के अंदर भरवा वाला 50% जितनी छोकरी हो। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली समाती नहीं है। कहते हैं जेनी अंदर एने पोते मशीन लड़कियों काम करे, छोकरियों काम करे એ જોઈ અને સુધા મૂર્તિ શું થાય છે, વાહ બહુ ખરેખર સરસ કામ થાય છે અને એ તો ખુશી ખુલી સમાતી નથી કે અત્યારના સમયની અંદર છોકરીઓ ઘણી આગળ વધી રહી છે એ જોઈ અને એને રાજી થાય છે। મહિલાઓની સફળતા પર એ કહેતી રહે કે મહિલાઓની સફળતા પર એ બોલે છે, હમારા માર્ગ કઠિન અવશ્ય હૈ કિંતુ ચલના જરૂરી છે। કહે છે કે મહિલાઓને કહે છે કે આપણો માર્ગ કઠિન ચોક્કસ છે, એના પર આપણે જાણવું જરૂરી છે। ધન્યવાદ।